जय हिंद प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 की सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दूसरी बात, अब एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 और 2018 की सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी अपडेट होगी तो इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही थी 4 तारीख से कि 4 जनवरी को इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन 4 जनवरी के बाद मैंने आप सभी को बताया था कि उसमें जो डेट लगी वो लगी थी 11 जनवरी। अब 11 जनवरी को भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, उम्मीद हमें भी थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें डिसीजन हो जाए और जो भी हो कैंडिडेट के फेवर में जाके लिस्ट जारी करने का फाइनली जो भी चीज है ऊपर से पूरा प्रेशर डाल के ये बोला जाए कि आपको लिस्ट लगानी ही पड़ेगी। बट आपको बता दें कि अभी यहां पे एक नई डेट और मिल चुकी है, यानी कि 11 जनवरी के बाद अब आपकी डेट लगी है 15 मार्च, यानी कि काफी लंबा समय है, 2 महीने का यहाँ पे आपको गैप मिला है। इसी के साथ में यहाँ पे आप सभी को कुछ और चीज अपडेट कर दूं, क्योंकि मामला खाली यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफी लंबा खिंच रहा है। उसका रीजन आप सभी को बताया कि इससे पहले एक SLP जो दायर की गई थी वो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके खिलाफ दायर की गई थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया था। उसके अलावा फिर दोबारा से एक SLP दायर की जाती है SSC के द्वारा पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर, फिर उसे भी कंसीडर नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसके बाद एक और SLP दायर की गई है, और अब जो SLP दायर की गई है वो की गई है MHE यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये SLP दायर की गई है। और उस SLP में आप ये मानिए 30 डेज का टाइम था, इसी की वजह से ये वाली चीज भी थोड़ी सी आगे चली गई है। और आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अभी आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि 15 मार्च को आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगी, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते आप, 50-50 ये चीज समझ के चलो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन 100% कंफर्म किसी चीज के लिए श्योर मत रहो कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप पूरी तरह उसी पे डिपेंड हो जाओगे कि ऐसा होना ही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि 4 जनवरी को पूरी तरह से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है काफी लंबा चल रहा है, क्योंकि देखो MHA का पूरा इन्वॉल्वमेंट है आप सभी को पता ही है, और क्यों है उसका रीजन भी आप सभी को पता है। साथ ही में SSC का तो है ही ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, तो दोनों तरफ से जो SSC और MHA कोशिश कर रहा है कि हम इससे बाहर निकल जाएं, लेकिन कोर्ट का पूरा इन्वॉल्वमेंट भी इसमें शामिल है, और कोर्ट चाहता है कि जो भी डिसीजन वो कैंडिडेट के हित में हो, इसी की वजह से ये मामला इतने टाइम तक चल रहा है, अदरवाइज कुछ होता ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बनी हुई है, इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जो भी चीजें हैं उन्हें सही तरीके से देखें और जो भी चीजें हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझें। तो जो भी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं एकदम 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप मिसगाइड ना हो। और दूसरी बात, कोई फंड रेज वगैरह की बोलता है कि पैसे इकट्ठे कर लो, ये सब चीजें अगर कोई सही तरीके से होगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि हाँ आपको ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर फिलहाल आप सभी से कोई ऐसी डिमांड कर रहा है तो प्लीज अभी किसी को कोई पैसे वैसे बिल्कुल मत देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही टाइम में ट्रैप स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी ऐसे ही टाइम में होता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट को ये कंफर्म हो जाए आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर हैं, 3 तारीख का भी एक ऑर्डर है, 5 तारीख का भी एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जितनी चीजें मतलब डिस्कस करी जाए उतनी कम है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अपडेट इसमें निकल के आती है, लेकिन कंक्लूजन जो मेन है वो निकल के आए तब काम चले कि यहां तो लिस्ट लगे, तो अभी लिस्ट नहीं लग रही है तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, मतलब फायदा तब है कि तब उन चीजों का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तब हमारी लिस्ट लग जाएगी। तो सबसे मेन चीज यही है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को आने वाले टाइम में दे दूंगा। और जो आपको 11 जनवरी को डेट लगी थी उसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, और जैसे ही उसका ऑर्डर अपलोड होगा उसमें क्या डिटेल्स दिए हैं और कोई बहुत बड़ा कुछ अपडेट होगा तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी का बस उसमें नॉर्मली यही बोल दिया होगा अगली डेट 15 मार्च लगा दो, और उसके अलावा अगर उसमें कुछ ना हो तो शायद मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊं। तो इंतजार करना, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।